मैं हूं पूजा सहनिया और आप देख रहे हैं फेलिसिटी टीवी। पहली नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बागपत में प्रदर्शन किया गया। आम नागरिकों और व्यापारियों ने बाजार बंद करके विरोध दर्ज कराया। जनपद के अंदर कहीं पर कैंडल मार्च तो कहीं पर दुकान बंद करके प्रदर्शन जारी रखा। पुतला फूंक कर विरोध जताया जा रहा है। कई गांवों में जगह जगह पर पाकिस्तान व आतंकवाद के पुतले भी जलाए गए। जवानों की शहादत से आक्रोशित लोगों ने सरकार से बदला लेने की मांग उठाई है। आम हो या खास, हर आदमी दुश्मन आतंकवादियों से बदला चाहता है। बागपत कस्बे, दोगट कस्बे और बड़ौत में कल हुए आतंकवादी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। किसानों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। सीआरपीएफ सैनिक शहीद होने से हर नागरिक आक्रोशित है। अब जनता की निगाहें सरकार की तरफ है। देखना होगा कि सरकार जवाब कैसा देती है। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार गुप्ता। तो जी क्या मामला हुआ, आज क्यों बाजार बंद था? ये जो रात से टीवी पर सुना जा रहा है कि हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए, उसी की उपलक्ष्य में आज दोगट का पूरा बाजार बंद रखा गया और हनुमान मंदिर के सामने एक सभा आयोजित की गई और पूरे नगर में जुलूस निकाला गया और उसके बाद में यहाँ से इकट्ठे होकर के पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और एक श्रद्धांजलि सभा की, मरने वाले सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। और ये पूरा कार्यक्रम शांति व्यवस्था के साथ में हुआ और सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकात्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। ये जो घटना हुई है, हमारे देश के 42 जवान शहीद हुए हैं, बहुत दुखद घटना है। इसके लिए हम व्यापारी समाज, पूरा व्यापारी समाज सरकार से ये कामना करता है कि जो ये लोग शहीद हुए हैं इनको आर्थिक रूप में सहायता कम से कम 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा सबका मन है। अच्छा, किस बात को लेकर बहुत पूरा मामला? ये जो कल पुलवामा में 42 हमारे नौजवान शहीदों का बलिदान हुआ है, उस विषय को लेकर के ये पूरा देश आज इतने शोक में डूबा हुआ है। ये उसी विषय में लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ पुतला फूंक दहन किया गया है। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है इन 42 शहीदों का बदला 400 सरों से पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के सर चाहिए हमें 400 सर चाहिए। केंद्र की सरकार से मांग है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग है कि इसका बदला तुरंत ही लिया जाए। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम इसराइल भारती। धरना दे रोक लिख में क्या मामला? हाँ जी, धरना इसलिए दे रहा, हमारा जो यहाँ से कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ रहा, हमारे माँ फौजी भाई मारे गए, इसी हम शोक में आए, इसीलिए धरना दे रहे। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को ये पता चल जाए, हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद हमें सिर्फ कलेक्ट्रेट पे आके सभी को एकजुट होकर यहाँ बैठना था और कलेक्टर को अपने बीच में लेना था। हम अपने हिंदुस्तान का सिर्फ शोक मनाने के ही लिए आज 10 दिन क्या भलकन पूरी साल भी लग जाए तो हम इसमें जो है शोक मनाते रह गए अपने भाइयों के लिए। आज पुतला जलाया गया, किसका पुतला था, किस बात को? ये पाकिस्तान का पुतला था जो कल 42 शहरी हमारे शहीद हुए हैं, उसके विरोध में हमने पुतला दहन किया है। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब सीधा 4,000 या 5,000 उनके सैनिक मरने चाहिए और आतंकवादी कैंप पाकिस्तान से पूरी तरह नष्ट होने चाहिए। क्या मांग है? मांग ये है कि वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय अब की बात सीधा युद्ध हो। हमारी मांग यही है कि पाकिस्तान को किसी की बातों में सबक सिखाने का टाइम आ गया। Woo!
आपका नाम? मेरा नाम पंकज राठी है। तो ये कार्यक्रम कैसा था मेरे सभा का? ये हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनको सत सत श्रद्धांजलि थी और दिल से नमन था और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो आप क्या चाहते हैं मोदी सरकार को क्या पता है? मेरी मोदी सरकार से अपील है कि मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और देश के जो गद्दार देश के अंदर छुपे हुए हैं उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। देश के गद्दार सीमा से बाहर ही नहीं, सीमा के अंदर बाहर से ज़्यादा हैं। तो मोदी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला ले ताकि कश्मीर से जिहादियों को ख़त्म किया जाए। ये जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है, इससे पूरे देश में बड़ा शोक है और बहुत ही दुख है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मरने वाले अमर शहीद जवानों के परिवार वालों को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को मरने वाले की आत्मा को शांति दे। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया? आज यहाँ पर जो है शोक सभा रखी गई थी जो हमारे 44 जवान जो शहीद हो गए उनके लिए रखी गई थी। तो अब सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया मोदी जी, अब बहुत हो गया जो है, अब हमें बदला चाहिए। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, ये जो है एक युद्ध है जो छद्म युद्ध जिसे बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध, ये एक युद्ध है पाकिस्तान की तरफ से और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इस पर कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कदम उठाए और ऐसा उन्हें को जवाब दे कि उनकी नस्लें तक काँप जाए कि वे आगे इस प्रकार का हमला न कर पाए। आपको क्या लगता है मोदी सरकार इस पर क्या कर सकती? मोदी सरकार इस पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, अगर उनमें हौसला हुआ तो इससे भी बड़ा कोई कदम उठा सकती है। बस बात सिर्फ जज्बात की है, अगर उनको फीलिंग है अपने देश के प्रति सेना के प्रति तो वे बहुत ही बड़ा फैसला उठा सकते हैं। आपके हिसाब से, आप युवा हो, आपके हिसाब से क्या फैसला लेना चाहिए? मेरे हिसाब से उनको ऐसा जवाब देना चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जैसे पीओके में जो है पार्क का अधिकार जो कश्मीर है उसमें आतंकवादी संगठनों के जो कैंप चल रहे हैं उन पर बहुत ही बड़े स्तर से हमला करना चाहिए, उन्हें नेस्त नाबूद कर देना चाहिए और जो देश में छिपे गद्दार हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए जो आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं। अरविंद कुमार है, ये पाकिस्तान के खिलाफ अजहर महमूद का पुतला फूंका है, जो हमारे सैनिकों की शहादत है उनका बदला लिया जाएगा, जोर शोर से लिया जाएगा। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वह फिर दोबारा करी जाए डाल की और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी मारे जाए। हाँ जी, आपका नाम? शांति देवी। जो पुतला फूंका गया किसका फूंका है? ये पाकिस्तान के खिलाफ में पुतला फूंका गया, हमारे जो लाल सैनिक है जो शहीद हुए हैं वे हमने इसलिए नहीं भेजे थे कि वहाँ शहीद हो, हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए भेजे थे और वही हमारे शहीद हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का बदला लिया जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। कल जो श्रीनगर से जम्मू आते समय हमारे जवानों को आतंकवादियों द्वारा ब्लास्ट करके शहीद हुए थे जो हमारे सैनिक, उनके याद में शोक सभा रखी गई थी।